आइए आइए। डॉक्टर साहब, अरे कलवा क्या हुआ? अरे झूला झूल के आया क्या, जो इतने चक्कर आ रहे हैं तुझे? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब, हर चीज घूमे जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है हमको। इधर आइयो। इतनी दारू क्यों पीता है? मर जाएगा किसी दिन कलवा तू। अरे डॉक्टर साहब, मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? अरे वो दारू की बोतल का ढक्कन खो गया था, इसलिए हम पूरी बोतल ही पी गए। अच्छा हुआ कीटनाशक का ढक्कन नहीं खोया। ये ले, नींबू चाट ले, नशा उतर जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, कैसा नींबू है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अरे इसे काट तो ले। मुंह खोल, थोड़ा और खोल। ये ले कलवा, इसे बार बार चाटता रही हो, तेरा नशा उतर जाएगा। जा घर चला जाओ। घर नहीं जा पाएंगे ना डॉक्टर साहब। क्यों? अरे वहाँ सूरी है। सूरी? सूरी? अरे सूरी हमारी बीवी लुगाई। अरे वो सूरी नहीं, भूरी है, कैसे भूल जाता है उसका नाम। अरे डॉक्टर साहब, शराब तो हर गम को न भुला देता है, आप भी ट्राई कीजिए। खाली बैठने का इतो सा एहसास नहीं होगा। ओ, ओ, मेरी फिक्र छोड़, अपनी सोच, जा अब घर जा। अरे हमको अपनी फिक्र है, इसीलिए तो हम घर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हमारी बीवी हमको नशा मुक्ति केंद्र ले जाएगी। अरे तेरी बीवी तेरे भले की तो बात कर रही है, चला जा नशा मुक्ति केंद्र। डॉक्टर साहब आपको तो पता है ना, साला वहाँ का कर्मचारी सब कितना हरामी है, एक परात भर करके दाल चावल दे देता है, कहता है इसको अलग करो, नहीं अलग कर पाते हैं तो खाना नहीं देता है, उसी के चक्कर में इतना कमजोरी हो गया। अरे तो खाने पीने का ध्यान रखा कर, कसरत वसरत किया कर, सेहत बना अपनी। कसरत तो हम रोज करता हूँ डॉक्टर साहब, पूरा 2.5 किलोमीटर दूर है ठेका, भागते हुए जाता हूँ और भागते हुए आता हूँ। अरे मेरे कलवा, कसरत के लिए भागना जरूरी नहीं होता, चल के भी कसरत हो जाती है। अरे डॉक्टर साहब, वो भागने का भी जरूरत होता है। क्यों? क्या है ना डॉक्टर साहब, अंडी मंडी संडी बेल मिलेगी हमको ठंडी। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठंडी बियर का नाम सुनते ही गला सूखने लग गया क्या? इंतजाम करें क्या? अरे चुप कर कलवा, मैं तेरी तरह दारूबाज नहीं हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि खराश वराश सब ठीक हो जाएगी, एक बार आप अपने गले की मालिश ब्रांडी से कर लो, वो भी अंदर की तरफ से। अबे ओ शराबी, ये नुक्से ना किसी और को सुनाइयो, मैं डॉक्टर हूँ, कोई अनपढ़ नहीं। शराबी कभी झूठ नहीं बोलते हैं डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, एक बार आप लेके देखिए, फिर देखिएगा मजा जब बैठेंगे तीन यार। अभी तीसरा कौन आ गया? अरे डॉक्टर साहब, हमारी बीवी सूरी। अरे भूरी? हाँ वही भूरी। अरे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, अरे मैं कहीं भी जाऊं वही सनी लियोन की तरह सूंघते सूंघते आ जाती है। सनी लियोन? अरे आपने वो गाना नहीं सुना, मैं धरती पे चाहे जहां भी रहूंगा तुझे तेरी खुशबू से ढूंढ लूंगा। अरे गधे, वो सनी लियोन नहीं, सनी दियोल है। तुम यही मिलोगे, चलो चलो घर चलो। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा इलाज होगा तो डॉक्टर आत्मा के हाथों, नहीं तो नहीं होगा। अरे कहीं नहीं समझ रहे हो हमारी बात, ये फर्जी डॉक्टर के हाथों में अपना जिंदगी दे रहे हो, मौत को गले लगा रहे हो। ओ भाभी जी जरा संभाल के, डॉक्टर हूँ कोई यमराज नहीं,
जो आई सावित्री बन के अपने पति के प्राण बचाने। सही कह रहे, भूल गई भूरी, डॉक्टर आत्मा करेगा हर आदमी का खात्मा। ओ कलवा ऐसे नहीं, डॉक्टर आत्मा करेगा हर बीमारी का खात्मा। बुद्धि दे हमरे आदमी को परमात्मा। अरे भगवान जाने का ही पीते इतनी दारू, अरे का रब खाई कड़वा जहर में। भाभी जी आपको कैसे पता दारू कड़वी होती है? अरे डॉक्टर साहब इसने भी पी है, हमने ही चखाई थी, ताकि ये बेवड़ी जिंदगी भर हमें ये ना बोल सके कि तुम दारू पी के अय्याशी करते हो। अरे भूरी जहर का घूट पीता हूँ, जहर का घूट। डॉक्टर ये सब छोड़ो, अब पहले बताओ कि इनका दारू छुड़वा पाओगे कि नहीं। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप, हर बुरी आदत छुड़वा सकता हूँ मैं, मौत को छोड़ के। अरे डॉक्टर तुम पहले दारू छुड़वाओ। हाँ वो भी छुड़वा देंगे। कलवा डॉक्टर साहब कुछ दिखा? नहीं कुछ खास नहीं दिखा। पता नहीं हमको एका दिखाई दिया इनकी आंखों में जो हम डूब गए। अरे ये नशीली आंखें हैं सूरी। भूरी। अरे भूरी नहीं सूरी, सूरी। अरे भूरी भूरी। अरे डॉक्टर साहब आप चुप रहिए। ये नशीली आंखें हैं सूरी, ये आंखें नशीली ऐसे नहीं हुई है, रोज सुबह शाम दो दो पैक लगाए हैं इसके लिए। अबे तू दिन में 4 पैक लगाता है? अरे डॉक्टर साहब 4 पैक तो ये तब लगाते जब अकेले पीते हैं, अरे इनके 2-4 दोस्त आ जाए ना तो 8 हो जाता है वो पैक, और वो भी लस्सी का गिलास। डॉक्टर साहब आप भी आइए ना कभी हवेली पे। ना भाई ना, अपनी तो झोपड़ी ही ठीक है, और वैसे भी मैं ओकेजनली पीता हूँ। ओके अच्छा डॉक्टर साहब आप इंग्लिश वाली पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंजाम हो जाएगा ना आपके लिए। अरे कलवा मैं तीज त्योहार पे पीता हूँ, इंग्लिश नहीं। लो जो खुद है शराबी है उसका खान दूसरे की दारू छुड़वाएगा। देख बुरी अनशन तो बातें कर मत, तुझे तो पता है ना कि मुझे डॉक्टर साहब का हाथ ही जमता है। अरे कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ? ओ बरिस्टर मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़, अपनी आदत सुधार। और भाभी जी तुम के यहाँ भाषण दे रही हो, अरे इनकी आदत सुधारो, इनका ख्याल रखो। अरे आपका इनका टेटुआ पकड़ के रोक ले। अरे भाभी जी टेटुआ नहीं पकड़ना है, पैग पकड़ने हैं पैग। अरे हम पैग छुड़वाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो तुम पैग पकड़ने की बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मेरा मतलब है धीरे धीरे इसकी दारू कम करनी होगी। देखो पहले हफ्ते इसे 4 पैक पीने दो। 4 पैक? दूसरे हफ्ते सिर्फ 2 पैक दो, और तीसरे हफ्ते बस 1 पैक। फिर देखना चौथे हफ्ते तक इसकी दारू पीने की आदत ही छूट जाएगी। डॉक्टर आत्मा कब आता है? डॉक्टर साहब कहीं ऐसा ना हो कि 14 हफ्ता आते आते हमारा 4th ही निकल जाए। अरे ओ मैं खाने के साथी, तुम फटाफट घर चलो, तुम्हें हम अपने हाथों से दारू पिलाते हैं, ठीक? अरे अरे कहाँ चल दिए भाभी जी, मेरी फीस तो देके जाइए ना। काहे बात की फीस डॉक्टर, अरे कोनो दवाई थोड़ी दी है तुमने। अरे ठीक है दवा नहीं दी, लेकिन शराब छुड़वाने का तरीका तो बताया है। तो एक काम करो, राम खिलावन के खेत में जाके आलू खोद दो, पूरा 500 रुपए देगा। अरे बात, अरे कैसी बात, चलो नशेड़ी आदमी खड़ा हो। अरे चलो डॉक्टर साहब थैंक यू। अरे जाओ जाओ, आना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा, 20 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं है। हेलो हेलो डॉक्टर आत्मा। हाँ बोल रहा हूँ। अरे डॉक्टर आत्मा हम भूरी बोल रहे हैं, अरे कैसे दवाई बता दी हमारे आदमी को, दिन भर ऐसे बेसुध होके पड़े रहते हैं, कोई और उपाय बताओ ना डॉक्टर। तो भाभी जी पहले मुझे ये बताइए आपने कलवा को दारू कैसे पिलाई? अरे डॉक्टर जैसा तुम बताए थे, रोजाना एक बोतल लेके आते थे दारू का, पहले हफ्ता हम उस बोतल का 4 पैक बनाए, दूसरे हफ्ते 2, और तीसरे हफ्ते बोतल का 1 ही पैक बनवाया, लेकिन चौथा हफ्ता आते आते तो सीधा बोतल से ही मुंह लगाने लगे। हेलो डॉक्टर, अरे डॉक्टर आत्मा निकल गया।
गया क्या? अब क्या चक मराएगा डॉक्टर आत्मा, जब खुद की भी विचारी अपने पति का खात्मा? नशेड़ी आदमी।